Bobby. Bobby. Baby girl, let the ice break. Hi guys, what's up? I just woke up some time back और this is the day actually जिस दिन cyclone expected है. According to latest reports, आज दोपहर को cyclone expected है. तकरीबन 1 बजे बोल रहे हैं कि जो अलीबाग नाम की जगह है मुंबई के पास, वहाँ पे cyclone hit कर सकता है. और yeah, so we don't know अभी क्या करने वाले हैं हम लोग. अभी तो मतलब normal दिन की शुरुआत करी है जैसे करते हैं रोज़, पता नहीं क्या होगा दोपहर को. एनीवे, अभी मैं कुछ न्यूज़ वगैरह देख रही थी और उससे मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि कल, वैसे आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी जिसमें कल हमने प्रेप किया था सारा साइक्लोन के लिए, जहाँ पे हमने अपनी एसी की यूनिट और सबको बांधा था ताकि कुछ गिरे नहीं, और पानी वानी एक्स्ट्रा जो है वो पीने का अरेंज किया था. वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, जहाँ पर हमने प्रेप किया था. तो मेरे हिसाब से सारी प्रेप हो गई थी, बट आज मैं कुछ न्यूज़ देख रही थी तो वहाँ से मुझे एकदम से हिट किया कि मैंने अपनी एक चीज़ नहीं की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो मैं करने जा रही हूँ. जो भी दीवारों पे सारे फ्रेम्स लगे हुए हैं और कोई हैंगिंग जो भी आइटम्स हैं घर में, कुछ डिकोर की आइटम्स जो हैं वो सब मैं रिमूव करना भूल गई, तो वो भी मैं करने जा रही हूँ अब. तो पहले वो कर लेते हैं और फिर आगे दिन की शुरुआत करते हैं. ये तो कांच की नहीं है, इसमें तो लकड़ी का फ्रेम है और ऊपर ये एक फैब्रिक जैसी चीज़ है, तो इसको उतारने को मैं रहने देती हूँ. सो हमारे ना यहाँ पे ये जाली लगी हुई है जो हमने हाफ खोली हुई थी बहुत टाइम से, मतलब महीनों से खोली हुई है, क्योंकि घर बहुत बंद बंद लगता था इसकी वजह से. तो अभी हम सोच रहे हैं कि इसको भी बंद किया जाए पूरा, सो दैट अगर मान लो होता है कुछ तो प्रेशर जो है वो शीशों पे कम से कम पड़ेगा यहाँ पे. बल ध्यान से, इसकी जो वो है ना किनारे जो है ना वो बहुत नुकीले हैं. तो हम लोगों ने कल सारी जो प्रिपरेशन थी वो कर ली थी, लेकिन क्या हो रहा है टाइम के साथ धीरे धीरे जो भी चीज़ याद आ रही है, बेसिकली कोई चीज़ मेरे बैठे दिमाग में आ गई कि कमल ये भी कर लेते हैं, वो भी करी जा रहे हैं, फिर कमल के कुछ दिमाग में आ रहा है तो वो भी करी जा रहे हैं. सो वी आर जस्ट ट्राइंग आवर बेस्ट कि सारे जो भी कर सकते हैं सेफ रहने के लिए वो कर लेते हैं. कमल, डू यू थिंक मुझे ये लैम्प उतारना चाहिए, ये वाला? कौन सा? ये वाला, क्योंकि वो लटका हुआ है ना. हाँ, नहीं, अब हम ये सब करेंगे ना. हाँ, शीशे वगैरह बंद करेंगे तो वैसे भी एकदम से प्रेशर नहीं बढ़ेगा हवा का. ओके, धीरे धीरे करके बढ़ेगा. अगर हमें लगता है कि अगर लगा बहुत ज्यादा हो रहा है तो हटा देंगे. हाँ, ये देखो हम लोगों ने सारी जो खिड़की है वो कवर कर दी, ये जाल. मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी का फायदा देखो यार. आज हम लोग इतनी तरक्की कर चुके हैं कि हम ऐसी डिजास्टर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसके लिए तैयार हो सकते हैं. ये तो अदरवाइज तो सोचो, अगर तो आपको पता ही नहीं है, बारिश आ गई, चाय बनाएंगे, पकौड़े बनाएंगे, हवा तेज तेज चलने लगी, ओहो चलो थोड़े पकौड़े और बना लेते हैं, फिर जब शीशे धड़ 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 हिलने लगेंगे, अरे ये क्या हुआ, ऐसा हो जाएगा. दोनों बच्चे बड़े शांति से बैठे हैं आज, तो मेरा तुम्हें भी बैठे. अतु बेबी, शोना बेबी, हाय शोना. ओ गॉड, सड़क पे पड़ा है, अभी उड़ेंगे. शुरू. बाप रे, लोग स्माइल कर रहे हैं कमल सामने, काहे को? क्योंकि 2-2.5 महीने हो गए ना, एडवेंचरस नहीं मिला कुछ. शुरू. ओ गॉड, फाइनली लोगों ने गमले उठाने अब शुरू किए. ये देखो, उठा लो भाई, जल्दी उठा लो. टाइम हो चुका है 3:30 बज चुके हैं दोपहर के, और अभी जो
फिलहाल हमारे एरिया में एटलीस्ट जो कहानी चल रही है वो है कि बारिश रेगुलर से ज़्यादा तेज़ है और काफ़ी हवा चल रही है, बट दैट इज़ इट. अभी और कुछ यहाँ पे लग नहीं रहा है. बारिश नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ है और ज्योति की अपडेट आज तक से भी तेज है. बहुत मुश्किल से आता है एटम हाथ में, इसको पसंद नहीं ऐसे ज़्यादा पास और ये जफियाँ पकियाँ. ये पैसा है एटम हमारा, जितना इसके पास जितना इसके पीछे दौड़ोगे ये उतना दूर दौड़ेगा आपसे. ये पैसा है हमारा, पैसा है. अच्छा सॉरी सॉरी नहीं करती, अब नहीं करती पप्पी, अब नहीं करती पक्का, मम्मी कसम नहीं करती. नहीं लेट लेट जा रहा. अच्छा प्लीज मम्मा पास लेट जा, थोड़ा अच्छा लेट जा, जा 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 अब चला जाएगा. सो गाइज गुड न्यूज, वी आर सो रिलीव्ड. मुंबई में आया साइक्लोन लेकिन उतनी इंटेंसिटी से, एटलीस्ट जहाँ पे हम रहते हैं जिस एरिया में वहाँ पे इतना उसकी इंटेंसिटी नहीं थी और अब वो आगे निकल चुका है. आई रियली रियली होप कि कहीं भी किसी भी स्टेट में उसका ऐसा कोई इम्पैक्ट ना हो हाई और बस ये चीज़ जो है ये चली जाए. तो अभी कुछ नहीं, मैं बैठी हूँ बाय द विंडो. जब मुझे लगा कि अभी कोई रिस्क नहीं है, अब तो चला जा चुका है आगे, तो फिर मैंने यहाँ पे अपना ये जो बीन बैग है हमारा, ये आजकल बहुत हैंडी हो गया है कहीं भी. जब से एक्चुअली उधर वाला गद्दा हटा है कमल के कमरे का, आपने कमल के ब्लॉग में देखा होगा, तो वहाँ पे क्या हो गया है कि कमल बीन बैग ले गया है. तो अभी वहाँ से आइडिया आया कि अरे बीन बैग को तो जहाँ मर्जी बिछा लो. तो अभी आज शाम जो है मैंने, जैसे मैं यहाँ पे वो डालती हूँ ना एक कंबल जैसी चीज़, वो नहीं डाला मैंने और ये बीन बैग रख लिया और मैं अपना आईपैड पे हूँ और एक मूवी देख रही हूँ, अच्छी मूवी है बड़ी, जोजो रैबिट, वो देख रही हूँ. सो या दिस इज़ इट. आई थॉट के एंड कर देती हूँ ब्लॉग को, इसके बाद तो कुछ खास नहीं. अभी मैं जाऊँगी अपना डिनर की तैयारी करना शुरू करूँगी. टाइम कुछ आई थिंक 6 बज रखे हैं. कमो टाइम क्या हुआ है? हाँ 6 बजे के आसपास का टाइम है. सो या दिस इज़ इट. थैंक यू गाइज सो मच फॉर ऑल द DMs यू गाइज हैव बीन सेंडिंग मी. और हाँ काफ़ी लोगों ने पूछा दैट दे वर जस्ट होपिंग दैट वी आर सेफ, एवरीथिंग इज़ फाइन. और भी जहाँ पे मतलब जो कोस्टल एरिया में जो साउथ मुंबई साइड आया है वहाँ पे भी हम लोग क्योंकि न्यूज़ में देख रहे हैं तो ऐसी कोई कैजुअलिटीज़ तो नहीं हुई हैं. थोड़े बहुत पेड़ वेड़ गिरे हैं बट आई थिंक लाइव्स आर सेफ. So that is the best part. So yeah, this is it for now and I'm gonna see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care, guys. ये लगा रहे हैं फ्रेम वापस. Thank you.